बुल्ला मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। खत्री साहब से पहले अगर कोई और कोई, क्योंकि खत्री साहब को ओशियन ऑफ नॉलेज, खत्री साहब जो आप बताना चाहते हैं, जो अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो उसमें ब्रीफ टाइम में, क्योंकि खत्री है थोड़ी। आदरणीय इंजीनियर साहब, आदरणीय एसपी साहब और सारे डीएसपी साहब और मेरे साथियों, आज आज में गणतंत्र दिवस पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, तो मैं बहुत ही हिस्ट्री के बारे में बोलता हूँ। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय एकता है, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता के बाद गणतंत्र दिवस मनाने से राष्ट्रीय एकता मनाना कैसे बनाए रखे हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा मना। पहले तो गणतंत्र के बारे में बता देते हैं। गणतंत्र में दो शब्दों से बना हुआ है, गण और तंत्र। गण के मतलब समूह और तंत्र के मतलब शासन व्यवस्था, मतलब समूह का शासन व्यवस्था। व्यक्ति राजा का शासन नहीं हो, व्यक्ति का शासन नहीं हो, मतलब पूरे जितने यहाँ के देशवासी हैं उनके तरफ से जो शासन व्यवस्था उसके लिए गणतंत्र हुआ। उसी तरह इंग्लिश में रिपब्लिक बोला जाता है, रिपब्लिक रेस पब्लिका, रूट वर्ड है रेस पब्लिका, मतलब पार्शियल डेमोक्रेसी, मतलब कि ऑर्डिनेंसी इज नॉट ए प्राइवेट अफेयर बट इट इज ए पब्लिक अफेयर, मतलब रेस पब्लिका ऐसी बात है कि ऑर्डिनेंस बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसी कारण हम उसके हिस्ट्री के बारे में मैं हमेशा बताते रहूँ, एक बार फिर संक्षेप में बता रहा हूँ कि 26 जनवरी 1900 को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है, तो ऐतिहासिक महत्व के कारण ढूंढने के लिए हमें 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वो 29 दिसंबर 1929 को स्टार्ट हो गया था, 2 जनवरी तक चला गया। उसी में उसके पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित गोविंद जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, तो अवधी के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया और वही 2 जनवरी को उन्होंने एक आइडिया उनके मन में आया कि जो 1930 के जो लास्ट संडे होगा उसी दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1930 के संयोग से 1930 के लास्ट संडे 26 जनवरी को पड़ता था। उसी में रावी नदी तट पर जो लाहौर में जो आज मीनारे पाकिस्तान स्थित है, वहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया। और कांग्रेस ने 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, लेकिन जो माउंटबेटन प्लान के अनुसार हमारा देश का स्वतंत्रता मिला 15 अगस्त को, लेकिन 26 जनवरी को ऐतिहासिक महत्व था। इन सब लोगों को मालूम कर दिया कि अपना देश का संविधान जब बन गया 26 नवंबर 1950 को, तो 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को देख के इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसी कारण हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जब फिर हम और क्या बता रहे हैं, संविधान जो बना, संविधान कैसे किसने बनाया, जो संविधान की पूजा हम लोग करते हैं, तो संविधान बनाने के लिए तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ उसमें बहुत से चीज़ों से मिलकर बनाए, उनका जो योगदान सबसे अधिक था, लेकिन उनके साथ 6 मेंबर और भी थे, जैसे बी एल मित्तल साहब थे, गोपाल स्वामी अय्यर साहब थे, अय्यंगर साहब थे, मोहम्मद सदरुल्लाह जी थे, दिलीप खेतान साहब थे, और सर बेनेगल नरसिंह राव कंस्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन लोगों का भी योगदान है। और जो संविधान हमारा बना वो केवल
जैसे गवर्नमेंट ऑफ पहले सिद्धांत चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को 40% तो उसी को आगे डाल दिया गया सिद्धांत में 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही कॉपी कर लिया गया। इसके अलावा हमें बहुत से देशों के संविधान से जैसे कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ और जो हमें कैबिनेट सिस्टम इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जैसे इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा बनाया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह राज्यसभा बनाया गया फिर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट लिया गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया सिंगल सीट और फिर सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया फिर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है वो सब लिया गया फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट फ्री ट्रेड में पूरे देश में ही फ्रीडम ऑफ ट्रेड है वो लिया गया फेडरलिज्म लिया गया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है जब देश में इमरजेंसी लागू होता है हम लोगों ने वहाँ से लिया क्या बोला जाता है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से और मतलब वो और मतलब ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया फिर संविधान के बारे में एक थोड़ा सा राष्ट्रीय एकता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते राष्ट्रीय एकता के भावना के लिए मनाते हैं कुछ हम कारण आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय एकता में हमारे दुश्मन है जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था अगर इंडिया में अगर जाति व्यवस्था नहीं होता तो बहुत स्कोप है जाति व्यवस्था दूर करने जैसे कि पूरा इंडिया के इतिहास को उठा के लिखी के इतिहास में सबसे पहले 326 BC में अलेक्जेंडर ग्रेट ने इंडिया पर राजा पोरुस को हरा के 326 BC में झेलम नदी के तट पर बैटल ऑफ हाइड्रेशन में हरा के पहली बार उसने विजय प्राप्त किया था। मेरा मानना क्या इंडिया में जाति व्यवस्था नहीं होता उसी बंदर को इंडिया को जीतना बहुत भारी पड़ता। उसी तरह 712 BC में जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिक को हरा के इस्लामी राज की स्थापना की अगर इंडिया में जाति व्यवस्था नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो। तो जाति व्यवस्था ये मुगलों ने भी अटैक किया जाति व्यवस्था के कारण ही इंडिया में कब्जा किए जब अंग्रेजों ने भी आया कब्जा किए इतना देर तक शासन किए और इंडिया में शासन जाति व्यवस्था में तो इंडिया में गुलाम बहुत से लोग बोलते हैं चाइना में तो कोई जाति व्यवस्था नहीं चाइना भी गुलाम हुआ अमेरिका में भी जाति व्यवस्था नहीं अमेरिका भी गुलाम के कई देश भी गुलाम में जहाँ जाति व्यवस्था नहीं है लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जाति व्यवस्था नहीं होता तो इतना आसानी से इंडिया गुलाम नहीं होता। और जो चाइना में जब इंडिपेंडेंट हुआ अमेरिका में जो इंडिपेंडेंट हुआ तो उन लोगों ने काफ़ी तरक्की की इंडिया से इंडिया के अनुपात में काफ़ी तरक्की की लेकिन इंडिया उतना अनुपात में तरक्की नहीं की इसका कारण भी जल्दी। और दूसरा भारत कारण है राष्ट्रीय एकता में धार्मिक कट्टरता हम लोगों को धार्मिक कट्टरता भी कम बता एक चीज हम बता धार्मिक कट्टरता के एक उदाहरण देना चाहिए कि धार्मिक कट्टरता ने देश के कितना प्रभाव पड़ा। एक हमारे बहुत से लोगों मालूम नहीं जो जिन्ना जो देश का बंटवारा करने में जिनका हाथ था उनके वो हिंदू परिवार से थे उनके दादाजी का नाम था प्रेमजी भाई मेघजी ठाकर लोहाना भाटिया परिवार में उनका जन्म हुआ था गुजरात में। उन लोग मछली का व्यापार करते थे मछली के व्यापार के कारण गुजरात में मांस मछली खाने में बहुत खराब माना जाता है मछली के व्यापार के कारण उनको अपनी जाति से भी निकाल दिया गया धर्म से भी निकाल दिया। तो जो प्रेम जी भाई मेघजी ठक्कर उन्होंने मछली का व्यापार भी छोड़ दिया फिर भी उन्होंने अपने जाति में किया गया न उनके धर्म में किया। तो उनके लड़के थे पूंजलाल ठक्कर पूंज भाई ठक्कर उन्होंने उनको अपने पिताजी प्रेम जी भाई ठक्कर को जो अपमान हुआ उन्हें काफी दुख दिया उन्होंने पूरे परिवार को पूंजलाल ठक्कर अपने पूरे परिवार को लेके मुस्लिम धर्म बना लिया राजकोट में। उनमें सबसे बड़े लड़का थे मोहम्मद अली जिन्ना उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना देख लीजिए धार्मिक कट्टरता के कारण क्या हुआ जिन्ना ने पूरे देश का बंटवारा